गाइस, ये हमने प्रिंस का ना शू ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे, जो मतलब प्रिंस, ये देखो मार्वल, ये देखो गाइस, हाई नेक है क्या? गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। अभी जैसे कि मतलब कल रात को है ना, बहुत मतलब पूरी रात हमने तिलावत कुरान की, नमाज पढ़ी, नफिल पढ़ी, और वैसे फिर नींद में मतलब अभी तक हम लोग सोए हुए थे, तो फिर अचानक से मतलब बेल बजा। मैं बोला कौन आ गया अभी इतना टाइम सुबह सुबह, देखा तो टाइम काफ़ी हो चुका है, जुहर का नमाज भी टाइम हो चुका है, तो इसलिए फिर वो देखा तो फ्लिपकार्ट वाला, वो ना हमने ना प्रिंस का एक ऑर्डर दिया था शू, तो वही फ्लिपकार्ट वाला कल राज का आया था और आज प्रिंस का आया, अभी मेरा और टिंकू का आना बाकी है। तो अभी क्या करें हम लोग, कल रात कैसे आप लोग का मतलब शबे कदर की रात गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का तो बहुत अच्छे से गुजरा, और कल हम लोग वैसे भी कल हम लोग शॉपिंग गए थे तो बहुत मतलब लेट में आए थे घर, उसके बाद में फिर सोए रहे, मतलब सुबह नमाज़ पढ़ के अभी सोए हम लोग सुबह, मतलब आज सुबह सब नमाज़ पढ़ के सोए। तो चलो अभी के लिए हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं प्रिंस का शू, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर से चलेंगे हम लोग किचन में। आज जैसे कि कुछ स्पेशल बनाएंगे, प्रिंस बोल रहे एक टिक्का मतलब कुछ ब्रेड वगैरह का बनाना है, तो अभी देखो चलो उनको जो पसंद है वही बनाते हैं। और आज ना सोए रहे तो कुछ पता नहीं मतलब उतना भी, चलो कोई नहीं, फिर भी अभी थोड़ा सा जाएंगे बाहर कि नहीं अभी वो पता नहीं है। सोचा था शॉपिंग करने के लिए लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज 27 में थोड़ा हम लोग सोचा घर में रहेंगे कि जाएंगे, प्रिंस अभी नमाज़ पढ़ के उठेंगे तो क्या डिसाइड करेंगे। तो चलो गाइस, अभी के लिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं प्रिंस का शू। गाइस, ये हमने प्रिंस का ना शू ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे, अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए। खुश, कौन सा शू ऑर्डर दिया था बेटा? मार्वल का। तो चलो अभी अनबॉक्सिंग करो, देखते हैं तुम्हारा शू, मेरे व्यूअर्स भी देखते हैं कैसा तुम्हारा शू है, और ज़रूर से बताना कि शू कैसा लगा आपको, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और अभी देखो प्रिंस अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसा शू मंगाए हैं। अच्छा लगा था मेरे को जब ऑर्डर दिए थे तो मुझे अच्छा लगा था। तो ये देखो मार्वल, ये देखो M7X मार्वल, ये देखो अभी प्रिंस कर रहे हैं, 3, 2, 1 कहो, 3, 2 मिला है, क्या मिला है ये दिखाओ। ओके, 3, 2, 1 ये देखो प्रिंस का शू आ गया। ये देखो गाइस, हाईनेक है क्या? हाँ मामा। ये देखो कैसा है? ओ नाइस, बहुत अच्छा है। ये देखो गाइस, देखो बहुत अच्छा शू। और यहाँ पे हमारा फेवरेट स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन इनको पसंद है ना स्पाइडरमैन। और ये उसका ब्रांड, उसका ब्रांड दिखाओ, ये देखो अच्छा ब्रांड है ये। हाँ। है ना, अच्छा है मामा, हैप्पी हैप्पी जी हैप्पी। और एक शू, और एक शू चाहिए, देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लगा। चलो इनका शू भी पसंद आया तो कमेंट करके जरूर से बताना गाइस कैसा लग रहा है इनका शू। इधर दिखाओ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, प्रिंस को भी अच्छा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलो हबी के लिए फिर और भी हमको काम है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि काम बहुत सारा है। अस्सलाम वालेकुम, तो अभी जैसे कि मतलब हम अभी नमाज़ पढ़ के उठे और अभी जा रहे हैं किचन पे, सीधा जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना 27 रोज़ा हो चुका है, और अभी मतलब हम लोग का शबे कदर भी बहुत अच्छे से गुजरा कल रात में, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गुजरा। और आप लोग का कैसे गुजरा कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो अभी जाएंगे हम लोग, आज कुछ स्पेशल बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी लास्ट रमज़ान होने वाला है, देखते हैं कुछ बनाते हैं। तो चलो अभी के लिए हम सीधा चलते हैं किचन पे।
ये देखो यहाँ पे मैंने लिया 3 ब्रेड अभी लिया है, जो आज है ना 27 रोज़ा है, तो थोड़ा सा स्पेशल बनाएंगे प्रिंस के लिए, प्रिंस को चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 बॉयल एग लिया है, उसके बाद में ब्रेड लिया है। अभी ब्रेड को पहले हम डाल देते हैं पानी, ये देखो पानी में डाल देते हैं हम इसको, अभी हम डाल देते हैं इसमें पानी, ठीक है। ये रहा हमारा पानी, और इसको अभी पानी से हम, ये देखो हम इसका पानी पूरा निकाल दिए, अभी इसको निकाल के यहाँ रख दिए। अभी इसका पानी हम, उसके बाद में इसको हम डाल देते हैं अभी इस पर, ठीक है। उसके बाद में हम अभी एग ग्रेटर करते हैं। देखो गाइस कितने अच्छे से हो गया ना, फर्स्ट टूट गया फिर अच्छे से हो गया। आज थोड़ा हम क्या बनाएंगे इसका, टिक्की, टिक्की बनाएंगे, एग टिक्की, एग टिक्की बनाएंगे। तो बहुत टेस्टी है, आप लोग भी कभी घर में ट्राई करो। ये देखो माशाल्लाह से हो गया हमारा। तो चलो अभी के लिए इसमें हम डालेंगे मसाला वगैरह। तो ये हमने ब्रेड अभी इसमें डाल दिया जो हमने एक बनाया था, और इधर देखो हमारा ये क्या क्या है, ये है जिंजर, और ये है गार्लिक, ये ग्रीन चिल्ली, और ये क्या बोलते हैं उसको, धनिया, धनिया के पत्ते। अभी हम इसको सारे डाल देंगे इसमें, मिक्स कर देंगे, चॉप करके मैंने पहले ही से रखा हुआ था। तो चलो इसको डालने के बाद हम हल्का सा मसाला डालते हैं इसमें, ठीक है। अभी देखो ये देखो हम मसाला डालते हैं थोड़ा सा, ये कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और उसके बाद में, और उसके बाद में अभी डालेंगे हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, ये देखो। जैसे टिकिया बनता है ना, मतलब जैसे मतलब चिकन मटन वैसे ही टिकिया ये भी बनेगा, और बहुत टेस्टी होता है ये खाने में। ये देखो ग्रीन चिली, रेड चिली थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा डालेंगे क्योंकि थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा ना, तो मज़ा आएगा। और नमक डाल देंगे यहाँ पे हम, तो उसके बाद में अभी इसको कर देंगे थोड़ा सा मिक्स करना है अच्छे से। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एग और 3 ब्रेड लिया, अभी हम इसको अच्छे से एग को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर गाइस थोड़ा सा दो स्पून बस ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे। अभी देखो हाँ, इसमें हल्का सा हम डालेंगे अभी पानी, ठीक है। हल्का पानी डालने के बाद में देखो ये देखो जरा सा हम डाले पानी, ठीक है, बस हो गया। अब ये इसको हम कर देते हैं मिक्स, ये अच्छी तरह पकड़ लेगा, क्योंकि जब कॉर्नफ्लावर आता है तो उसका शेप बनाने में और ब्रेड क्रम पकड़ने में इजी होता है, इजी होता है, राइट। ये देखो, उसके बाद में हम यहाँ पे लिए ये देखो ब्रेड क्रम लिए हैं, ब्रेड क्रम लेके इसको अभी हम बनाते हैं। देखो टिकिया बनाते हैं, ठीक है, टिकिया रेडी कर दिया, और ये मैंने जो रेडी किया ना ब्रेड ऑमलेट के लिए, और अभी देखो ये है क्रम, और ये रहा हमारा रेडी। अभी हम जलाते हैं फायर, ये देखो ये हमने फायर डाल दिया, ठीक है। अभी हम इस पर डालेंगे ऑयल, चलो यह हमारा नॉन स्टिकी तवा, और इसमें हम अभी डालेंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल डालने के बाद में हम, ये देखो हमारा रह गया ऑयल, अब हम इसमें ना डाल दिया हमने पूरा तवे में, हमने ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने देते हैं। तो अभी हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के बाद में अभी हम इसमें डालेंगे टिकिया, ठीक है। तो चलो अभी के लिए टिकिया का तैयार करते हैं। ये रहा हमारा टिकिया, हम इसको तैयार करते हैं, ये देखो पूरा, अभी इसको हम ब्रेड क्रम्ब में डालते हैं, ये देखो, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है क्या, देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा बन चुका है। और अभी मैं इसमें डालती हूँ टिकिया, तो माशाल्लाह तो बहुत अच्छा बनेगा ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको हम 10-15 मिनट्स पकेगा ये। तो चलो पहले इसको अभी पकने हम देते हैं, देखो हमारा अभी यहाँ पे बन रहा है। जैसे कि हमको ज़्यादा पसंद नहीं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा वेस्ट होता है फिर, तो इसलिए अभी देखो
थोड़ा इसका जो फ्लेम है ना कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर। अभी चलो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस फोर फोर करके बनाएंगे। फिर देखो नहीं और भी डाल देते हैं इसमें, है ना स्पेस तो है। हाँ स्पेस है तो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास स्पेस नहीं रहेगा तो चार दो जैसे भी, मतलब आपको मतलब ईजी लगे तो आप लोग गैस बनाना। ये देखो अभी हमने यहाँ डाल दिया। चलो इसके बाद में हम थोड़ा सा ब्रेड आमलेट भी आज बनाएंगे राच और फ्रिंस के लिए। बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, तो इतना ही है बस। चलो 3-4 मिनट के बाद में इसको हम अभी पलटेंगे, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, जैसे टूटेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा ना गाइस, तो इसको टूटने नहीं देंगे हम। ठीक है, तो नॉन स्टिक में बनाने से क्या ना अच्छा होता है, कढ़ाई से बेटर नॉन स्टिकी में बनाओ, और नॉन स्टिकी कढ़ाई है तो उसमें भी बना सकते, लेकिन इसमें बेटर होता है। चलो अभी इसको हम पलटते हैं थोड़ा, पलटने के लिए देखो ये हमारा बन चुका है। ये मैंने निकाल चुकी हूँ, बन गया हमारा बहुत अच्छा खुशबू, एक टिक्की बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत ही अच्छा ऑयल है ना, ज़्यादा मैंने डाल दिया है। देखो अभी इसका ऑयल निकाल देते हैं हम लोग ऐसे, इसके बाद में हम फिर डाल रहे हैं। इससे हो गया हमारा टिक्की, अभी देखो इसका ऑयल थोड़ा सा निकाल देते हैं, बस हो गया हमारा एग टिक्की, टिक्की हो गया। देखो अभी और भी है, थोड़ा सा और बना लेते हैं। चलो बस ये दो ही है हमारे पास, तो लास्ट रह गया था हमारा दो, तो अभी हम डालते हैं इसको। तो देखो हो गया हमारा, बस इसमें। चलो अभी हमारा बन चुका, बस ये हो जाने के बाद हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट। ये देखो गाइस हमारे टिक्की फ्राई हो गया, ब्रेड क्रम कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे सजा के रख देंगे, क्योंकि खाने में मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा। अभी और दो हमारा बन रहा है, वो भी हो जाएगा। चलो गाइस अभी के लिए पहले उसको रेडी कर देते हैं, क्योंकि आज हम बनाएंगे रचना। देखो अभी इसको मिक्स करेंगे हम, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम आपको प्रोसेस बताएंगे। ये हमारा पानी, और इसमें हम अभी डालेंगे सिरप। देखो ये है रसना सिरप, और ये है रसना सिरप, अभी हम डाल देंगे इसमें पाउडर। ठीक है, और एक पाउडर का भी पैकेट है पैकेट हमारे पास। चलो अभी ये डालते हैं। आज ना रोजे में क्या हुआ प्रिंस बताओ, बहुत टायर्ड हो गए, टायर्ड हो गए सन की वजह से, बहुत टायर्ड हो गए हम। ये देखो, और इतना भी लास्ट टाइम में ना इतना रोजा लग रहा है, इतना रोजा लग रहा है क्या बताएं। तो ये हमारा बन चुका है देखो, तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड में, सब तैयार कर लेते हैं। चलो फिर रोजे का टाइम भी हो रहा है। हमारा रसना, ये हमारा रसना रेडी रेडी हो गया, बस चलो फिर जिसको चाहिए वो पी के ले लेगा। तो अभी इसके बाद में सारा रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ना मामा रसना का कलर। ये देखो गाइस यहाँ पे हमारा है ब्रेड टिक्की, और ये ब्रेड आमलेट, उसके साथ सॉस हमने लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे और एक आमलेट है, यहाँ पे एग, और यहाँ पे खजूर, हमारा रसना, और यहाँ पर हमारा टेस्ट टोस्ट। टोस्ट आ गया, अभी इसको हम यहीं पे रखते हैं। चलो इसके बाद में रोज़ा खोल लेते हैं, फिर हम लोग आपको रोज़ा खोल के मिलते हैं। तो जैसे कि गाइस अभी हम लोगों ने मतलब नमाज पढ़ के तैयारी करके उठा, और अल्हम्दुलिल्लाह 27 का रोज़ा भी अभी कंप्लीट हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। और आप लोग का कैसे गया 27 का रोज़ा? सब कदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और अभी जाके कल हम लोग के यहाँ का मस्जिद का मतलब प्रिंस, कल आप लोग का ख़त्म तरावी हो गया ना? तो कल ही ख़त्म तरावी हो गया था। और चलो अभी के लिए हम प्रिंस का सूख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोग का रोज़ा कैसे चल रहा है वो भी बताना। तो
तो चलो गाइस, अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अदरक ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।